हेलो एवरीवन, तो इसमें हम संसद 2 वाला कवर करेंगे। पार्लियामेंट का 1 हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने लोकसभा पूरी तरीके से कवर किया था, और इसमें जो है हम उच्च सदन जो राज्यसभा है उसको हम कवर करेंगे संसद 2 में। ठीक है, तो नोट्स देख लेते हैं। देखिए, संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और नीचा वाला जो सदन होता है उसको जो हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, इनकी जो अधिकतम संख्या हो सकती है राज्यसभा में वो 250 निर्धारित की गई है। और अगर आर्टिकल 80 की देखिए, आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 338 निर्वाचित कैसे होते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। लोकसभा में हमने प्रत्यक्ष निर्वाचन देखा था, यहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और कितने निर्वाचित होती है, 338, और 12 जो है मनोनीत। तो 338 और जो है प्लस हम 12 कर देंगे तो 250 आ जाएगा हमारा। तो 250 जो है सदस्य होते हैं किसमें, राज्यसभा में। ठीक है, उनसे मिलकर जो है राज्यसभा बनेगी। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें किस किस फील्ड में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान होगा या उनका व्यावहारिक अनुभव होगा उनको। ठीक है, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। निर्वाचन तो होता है बिल्कुल, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होके अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और कौन करता है, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राज्यसभा के मेंबर्स का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, तो जनता डायरेक्ट तो कर नहीं रही है, जनता किसको कर रही है, विधानसभा के सदस्यों को कर रही है, और विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के लिए निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनका निर्वाचन करेंगे, किसका, राज्यसभा के सदस्यों का। और जो राज्यसभा के निर्वाचन का जो पद्धति है वो क्या है, प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार और एकल संक्रमणीय मत के अनुसार होता है। ठीक है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लोकसभा का हो सकता है। ठीक है, 5 साल के पहले भी जब राष्ट्रपति चाहेंगे तो उनका विघटन हो जाएगा, यानी कि जब जो है मंत्रिमंडल या जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ये अनुमोदन करेंगे तो विघटन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। यह एक स्थायी सदन होता है। ठीक है, यह एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेनावृत्ति हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, एक तिहाई पूछेगा, एक जो 2/3 और 1/4 ऐसे पूछेगा, तो 1/3 जो सदस्य होते हैं उनका जो है उनकी अवधि 2 वर्ष में समाप्त हो जाती है। ठीक है, किसकी, उनके कार्य की अवधि। ठीक है, इस प्रकार इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे 5 साल के लिए जो है लोकसभा होती है, यहाँ पे 6 साल का कार्यकाल होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक सदस्य का। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी, 30 ईयर्स होनी चाहिए, और लोकसभा में कितनी थी, 25। कंपेयर करके चलते रहिए तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे आयु न्यूनतम 25 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है एटलीस्ट 30 इयर्स के का होना चाहिए। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो स्पीकर होते थे वो जो है लोकसभा के सदस्य ही होते थे, और उन्हीं को जो है स्पीकर चुना जाता था, चूज किया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो राज्यसभा के सदस्य जो सभापति हैं वो जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, वही जो है राज्यसभा के देखिए राज्यसभा का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, याद रखिएगा, और वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य के रूप में कार्य जो है उनके रूप में कार्य करता है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जो है के रूप में कार्य करते हैं तो उस समय राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता उनको। ठीक है, अगर राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं है या कोई कहीं पे बाहर गए हुए हैं या फिर आकस्मिक मृत्यु है, कोई ऐसी स्थिति बन जाती है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य का निर्वहन करेंगे, लेकिन उस समय वो राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको कोई वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, इस अवधि में वो राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन या भत्ते प्राप्त करते हैं। तो अब क्या होगा, अब राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ता मिलता उस अब उनके कार्य के निर्वहन के लिए उपराष्ट्रपति को वही वेतन भत्ता मिलेगा जो राष्ट्रपति को मिलता था, वो राज्यसभा के सभापति का वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनता है। ठीक है, तो वहां पे भी था स्पीकर और क्या था, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो यहाँ पे भी वहाँ पे अध्यक्ष बोलते हैं, यहाँ पे सभापति बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक उपसभापति चुनता है किसके, अपने सदस्यों में से ही उपसभापति, लेकिन जो सभापति होते हैं वो सदस्य नहीं होते राज्यसभा के, उपसभापति जो होते हैं वो सदस्य होते हैं। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। ठीक है, उपसभापति क्या करेंगे, अपना त्यागपत्र सभापति को देंगे। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से
पद से हटा सकती है। उपसभापति को क्या करती है, जो राज्यसभा है वो बहुमत से पद से हटा सकती है। जब सभापति का जो पद रिक्त हो, तो ऐसी स्थिति में जब भी जो है जब सभापति का जो पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, देखिए, हाँ, जब सभापति का पद रिक्त होता है तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, क्लियर है। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होगा। ठीक है, वहाँ भी यही स्थिति थी, वो पीठासीन नहीं होते थे, ना ही किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे, और वो कास्टिंग वोट भी जो है नहीं देंगे उस स्थिति में। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा में का जो प्रतिनिधित्व है जो है किसी जगह की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से दिया गया है। 2003 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी, याद रखिएगा, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी क्यों ना हो। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बार बार अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आएगी, वो ये है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। जैसे वहाँ पे क्या है, उन लोगों की जो हमारी वो है वित्त के उसमें निर्णय जो है, ठीक है ना, मॉनिटरी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, तो जो वित्त के संबंध में जो निर्णय है वो जो है लोकसभा के जो है पक्ष में होता है, लोकसभा जो है उस पर अधिकार रखता है। वैसे ही जो राज्य संघ क्षेत्र हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनका जो है पूरा होल सोल जो पावर होता है वो राज्यसभा के पास होता है। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट हमारा है भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3 दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में शामिल किए गए हैं। तो राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से मात्र 3 जो है हमारे यूटीज हैं, कौन कौन से, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। कौन कौन से हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, वहीं से जो है क्या मिले हैं, संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में शामिल हुए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की 4th अनुसूची, याद रखिएगा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो 4th अनुसूची है उसमें राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का प्रावधान उल्लिखित है। ठीक है, तो 4th अनुसूची में है, ये याद रखिएगा, 4th अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन का पूरा जो है ब्यौरा दिया हुआ है, और ये अनुच्छेद 249, ठीक है, अनुच्छेद क्या 249 में है। ठीक है, इसके तहत यदि राज्यसभा अपनी उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से, कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो उस पर विषय तो उस जो है विषय पर विधि बना सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 249 में क्या है, 249 में है कि अगर राज्यसभा के जो सदस्य हैं, क्या प्रेजेंट एंड वोटिंग, कौन कितने सदस्य, जितने सदस्य प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उपस्थित और मत देने वाले सदस्य, अगर 2/3, इसमें 1/3, 2/3, 1/6, ये बार बार आएगा, तो 1/6 कहाँ पे कोरम के लिए है। ठीक है, ये जो आपका 2/3 है वो क्या है, राज्यसभा में अगर बहुमत जो जो मत देने वाले लोग हैं जो प्रेजेंट हैं और जो मत दे रहे हैं उनकी 2/3 अगर बहुमत अगर है तो कोई भी जो है विषय पर विधि बना सकते हैं जो राष्ट्र के हित में है, और वो राज्यसभा कर सकती है। तो इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो संसद द्वारा उस विषय पर विधि बना सकते हैं, परंतु ये प्रस्ताव, देखिए, ये जो मैंने बताया जो 1/3, 2/3 ये जो कोरम है और ये सारी चीज़ें हैं, आप अगर चाहें तो इसको एक जो है नोट बना के इसको लिख लीजिए कहीं पर, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग होता है बार बार। ठीक है, और अगर आप कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा। आप लिखेंगे कोई चीज़ तो आपके लिए तो है ही, लेकिन साथ में और जो लोग हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा। इवन आप भी एक बार जब लिख देंगे कहीं पे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए, हाँ, अब यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता। जो प्रस्ताव है जो राष्ट्रीय हित में जो भी विषय पर विधि बनाना है, 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है तो विधि तो बना देंगे, लेकिन ये 1 वर्ष से अधिक अस्तित्व में नहीं रहता। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत था, ये 250 की अगर हम देखें तो उसके अनुसार आपातकाल की स्थिति में केंद्रीय संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहता है। समझ रहे हैं, आर्टिकल 250 में क्या है कि आपातकाल की कोई स्थिति है तो उसमें केंद्रीय जो संसद है उसको राज्य की भी सूची में, ठीक है, यहाँ पे सेंटर जो है पावरफुल हो जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो राज्य की सूची है उसमें भी जो है सेंटर को
क्या है, किसी भी विषय पर विधि बनाने का, ठीक है, किसी भी विषय में भारत के संपूर्ण या किसी भी जो है उसके किसी भी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, लेकिन आपातकाल जब समाप्त होता है उसके 6 महीने तक ये वैलिड रहता है, उसके बाद ये प्रभाव में नहीं रहता, ठीक है। आर्टिकल 250 में ऐसा है। 252 में क्या है देख लेते हैं। देखिए 252 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है, ठीक है। 252 में अगर अगर जो विधानमंडल है, दो या दो से अधिक विधानमंडल हैं, वो जो है संसद से अनुरोध कर देते हैं कि किसी सब्जेक्ट पे, राज्य के लिए किसी सब्जेक्ट पे संसद जो है कानून बनाए, तो जो है कानून संसद बना सकती है। अब 253 ये इंपॉर्टेंट है, 249, 250, 252, 253, उसके अनुसार क्या है, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौता को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। क्या है, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, ये 253 में है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि राज्यसभा में होते हैं कितने होते हैं, टू अभी हमने जस्ट देखा था 250 सदस्य हैं, जिसमें से 12 जो है सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। देखिए संविधान के अनुच्छेद और अनुच्छेद याद करना इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 81 क ख में कहा गया है, किसमें 81 और क उसका जो है क ख में क्या कहा गया है कि राज्य के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनाधिक प्रतिनिधित्व तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम जो है निर्देशित किए जाने पर 12 सदस्यों को मिलाकर राज्यसभा बनेगी, ठीक है। 238 + 12, ठीक है, अगर 12 भी याद रहता है आपको तो काम हो जाएगा। 250 है टोटल, 238 + 12, ठीक है। राज्यसभा के राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है, तो देखिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है, क्षेत्रफल के, राजस्व के, या राज्य के, तो किस पे दिया जाता है, जनसंख्या पे हमने देखा था अभी, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इस प्रकार किसी राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4th अनुसूची में दिया गया है, तो ये हमने देखा था 4th अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। अब जो है हमारे पास कुछ कथन है, उसको हमें देखना सही है कि गलत है, ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो नहीं होता, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, ठीक है, ये है, ऐसा नहीं है, 3 जगह से होता है। आप बता दीजिए नाम कौन कौन सा है, अभी तो आएगा ही वो, लेकिन आप नाम लिख के एक बार बता दीजिए कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये गलत है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार संसद के में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, बिल्कुल नहीं, संसद में हमने पढ़ा था लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी होते हैं, तो ये हमारा जो डी है ये कोई भी सही नहीं है इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं क्यों। देखिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, दिल्ली के लिए 3, पुडुचेरी के लिए 1 और जम्मू कश्मीर के लिए 4, याद रखिएगा दिल्ली के लिए 3, पुडुचेरी के लिए 1 और जम्मू कश्मीर के लिए 4, ठीक है। ये जो है इस तरीके से क्या होता है, राज्यसभा की सीट है। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। निर्वाचन कराना और ये सारी चीज़ें करना वो ईसी के हाथ में है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में, लेकिन निर्वाचन संबंधी कोई झगड़ा होगा तो न्यायपालिका के हमारे कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो जो अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, ठीक है। तो अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, कौन सी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर चुने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, हमने अभी देखा था, ठीक है। तो ये विघटन नहीं होता है, अर्थात ये स्थायी सदन होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के की समाप्ति पर सेनावृत्ति हो जाते हैं, ठीक है, 1/3, 1/3, ठीक है, यहाँ पे 1/3 है, याद रखिएगा, राज्यसभा के संदर्भ में और 2 वर्ष के बाद, ये भी याद रखना है, ठीक है। देखिए राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है हमें बताना है। देखिए 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। आधे सदस्य 2 वर्ष, ये गलत है। आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष भी गलत है, इसके ये सब गलत है, आपको 1/3 और 2 ईयर्स याद रखना है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कैसे, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए, सिंपल है, ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है,
ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका विघटन नहीं किया जा सकता, सिंपल, ठीक है, विघटन इनका नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमारा है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, क्या होता है, ये थोड़ा सा अब आएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है, ठीक है, समाप्त होने का विषय नहीं है, ठीक है। अब देखिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये जो है किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उनमें से कोई नहीं। ये भंग होता ही नहीं है, स्थायी सदन है तो कोई किसी को प्राप्त नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक का सही है वही बताना। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल सही है, विघटन नहीं होता, यही सही हो गया। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष, ठीक है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, अपने किसी सदस्य को नहीं चुनती। जो सभापति होते हैं उनके सदस्य नहीं होते, बल्कि हमारे उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही सदस्य होते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, अधिकार होता है। तो हमारा जो है ए वाला सही हो जाता है। देख लीजिए, स्थायी सदन है पहली बात तो राज्यसभा, इसका विघटन नहीं होता, इसके सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, 1/3 सदस्य हर कितने 2 वर्ष के बाद जो है उनका जो है सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सभा, राज्यसभा कैसे भंग होती है, बता दीजिए कैसे भंग होती है। देखिए, ये भंग ही नहीं होती है, ठीक है ना, राज्यसभा भंग नहीं होती है, स्थायी सदन होता है तो भंग होगा ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो किसके द्वारा की जा सकती है? किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि ये भंग नहीं होती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए थे? तो 12 व्यक्ति, हमने देख लिया था ना, 12 और टोटल 250 होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत करते, जिनमें साहित्य विज्ञान, कला और समाज सेवा, साहित्य विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक जो है अनुभव प्राप्त हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं कितने? 12 सदस्यों को, राज्यसभा में 12 सदस्यों कर सकते हैं। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो कौन थी? नरगिस दत्त थी, राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी नरगिस दत्त, ठीक है, पहली अभिनेत्री थी वो। देखिए, भारत में प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था वो नरगिस दत्त थी। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा, ठीक है। जललिता जयराम फिर AIDMK की थी, राज्यसभा की सदस्य थी, जो 3 अप्रैल 1984 से 28 और 1989 से तक अपने पद पे रही। उसके बाद फिर वैजयंती माला थी। तो कौन कौन थी? पहली बात तो नरगिस दत्त थी, सबसे पहले नरगिस दत्त थी, उसके बाद जयललिता आई, ठीक है, AIDMK की, फिर वैजयंती माला जो है बनी, ठीक है, राज्यसभा के लिए। और उसके बाद देविका रानी चौधरी 1969 में प्रथम दादा फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री थी, देविका रानी पहली अभिनेत्री थी, ठीक है। तो ये जो है हो गया हमारा। और नेक्स्ट हमारा है, एक बार इसको फिर से देखते हैं। हाँ, राज्यसभा के लिए देखिए, देविका रानी चौधरी वर्ष 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार करने वाली थी, नरगिस दत्त जो है वो पहली जो है मेंबर थी राज्यसभा की, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? राज्य सूची के विषय में नहीं है, ठीक है। तो राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तो बिल्कुल सही है, सही है, घोषित कर देंगे तो बना सकते हैं। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्थन संकल्प पारित करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी विभाग के लिए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारा है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा, ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय हित में जो है केवल राज्यसभा केवल है, तो ये गलत हो गया हमारा, केवल राज्यसभा नहीं बना सकती। देख लेते हैं, देखिए अनुच्छेद 249, हमने देखा था 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची में किसी भी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो जो है क्या होगा, अगर वो ऐसा कर देते हैं तो उस स्थिति में संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसा विधि संपूर्ण भारत या उसे किसी भाग पर बनाया जा सकता है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके उसके बाद ही जो संसद बनाती है, और न केवल राज्यसभा, ठीक है ना, केवल राज्यसभा नहीं है। तो ये हमारा जो है हो गया। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रपति
राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि प्राप्त कर लेती है यदि उसके लिए संकल्प जो है क्या हो उसके लिए जो देख लेते हैं। देखिए राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो गया हो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए भारतीय संविधान ने कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का शक्ति प्रदान करती है। तो 115 तो बिल्कुल नहीं, 120 बिल्कुल नहीं, 140 बिल्कुल नहीं, 249 है। ठीक है, 249 है जिसमें जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का शक्ति किसके पास है, भारतीय संविधान का जो है 249 ये कहता है कि संसद को जो है ये अधिकार है, ये शक्ति प्रदान कर दी कि राज्य सूची के विषय पर वो कानून बना सकती है 249 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कथन है और विचार करना। राज्यसभा में धन विधेयक, देखिए धन विधेयक है, ठीक है, धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या फिर संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा में ये बिल्कुल सही है। देखिए अभी मैं बहुत ही अभी घटनाचक्र करा रही हूँ क्योंकि कुछ एग्जाम्स हमारे हैं जैसे RO और UPPCS। ठीक है, तो ये एग्जाम्स जो है जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपका लक्ष्मीकांत में स्टार्ट कर दूंगी। लक्ष्मीकांत में जो है आप बता दीजिएगा मुझे, मैं हिंदी में या इंग्लिश में जिस भी लैंग्वेज में आप कहेंगे मैं उसको स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत और फिर स्पेक्ट्रम और कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मेन बुक्स है जो हमें कवर करनी है। तो 6-7 जो बुक्स हैं जो UPSC और UPPCS या अदर स्टेट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट होंगी तो वो मैं स्टार्ट कर दूंगी जस्ट एग्जाम के बाद। बट अभी हमें क्या करना है, अभी जो RO के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जैसे घटनाचक्र की अभी पॉलिटी चल रही है हमारी, मुझे लगता है इसको मैं जल्दी ही ख़त्म कर पाऊंगी, और हिस्ट्री है, ठीक है, और आपका ज्योग्राफी और साइंस, तो मैं ये इतना कवर करने की कोशिश करूंगी। साथ में करंट अफेयर्स हमारा चल ही रहा है, ठीक है ना, लक्ष्य 1, 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4, और उसके बाद उसमें कुछ और करंट अफेयर्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो पड़ी हुई हैं आप उसको देख सकते हैं। साथ में और कुछ कहना था मुझे, हाँ ठीक है, तो इतनी चीज़ें ये सारी हम कवर कर लेंगे। हाँ, यूपी स्पेशल को भी हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है, एग्ज़ाम के आने तक। तो इसलिए मैं आपको, अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है फिर भी किसी टॉपिक में, अगर मैं घटनाचक्र जो है जो एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो देखते हैं 20th क्वेश्चन। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है राज्यसभा के पास। ठीक है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता, जो अनुदान के मांगे उस पर मतदान नहीं कर सकता। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए ये है आपका बी, केवल 1 और 2। तो देखिए अनुदान पर मतदान नहीं कर सकता, ठीक है, और कोई वित्त विधेयक धन विधेयक के संबंध में उसको ना तो अस्वीकार कर सकता और ना ही संशोधित करने की शक्ति उसमें निहित है। ठीक है, लेकिन जो 3 है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकती है। ठीक है, देखते हैं इसको। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, और लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिश को प्रेषित किया जाएगा। प्रस्तुत कहाँ होगा, धन विधेयक लोकसभा में भी होगा, लेकिन उसको जो है लोकसभा से पारित करने के बाद राज्यसभा में जो है उसकी सिफारिश हेतु भेज दिया जाता है, जिससे राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, वो जो है इंडिपेंडेंट है कि उसकी राज्यसभा की कोई सिफारिश मानती है या नहीं मानती। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को वापस नहीं करती है तो उसी स्वरूप में दोनों सदनों द्वारा इसको पारित अपने आप मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला हमारा क्लियर। दूसरा है, राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं है। ठीक है, जो राज्यसभा है उसमें उसको धन विधेयक में संशोधन करना या उसको अस्वीकार करने की कोई भी शक्ति प्रदान नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांगे केवल लोकसभा में रखी जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो अनुदान मांग होती है वो 113(2) के अनुसार सिर्फ लोकसभा में रखी जाएंगी, अतः उसे ही उस पर मतदान करने का अधिकार है। 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण होता है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की प्राप्तियों और व्यय का प्रस्तुत विवरण, जो विवरण होता है वो जो है जिस प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों में, जिस पर दोनों सदन में साधारण चर्चा होती है। तो 112 में क्या है, 112 में जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों में के समक्ष भारत सरकार की प्राप्तियां और व्यय प्रस्तुत करती है, उसका विवरण जो है दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट जो है,
वो है निम्नलिखित पर विचार करिए, ठीक है, विचार करना है। क्वेश्चन जो है कथन ए है हमारा, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोकसभा बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है कि राज्यसभा की जो सिफारिशें हैं उसको स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है। अगर 14 दिन में वो उसके भीतर वो जो है वापस नहीं होती है तो एज इट इज़ जो जैसा भेजा जाता है लोकसभा द्वारा वो वही दोनों सदनों से स्वीकृत मान लिया जाता है अपने आप। तो ये हो जाएगा हमारा, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो जो है ये भी हो गया, इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। आ ए गलत है और आर सही है, ठीक है, पेश नहीं किया जा सकता बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित, ए गलत है और आर सही है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं, ठीक है, तो कुछ विशेषाधिकार हैं, ठीक है, और जो है निम्नलिखित विशेषाधिकारों में कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए। देखिए, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, ठीक है, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु शक्ति उनको प्रदान की गई, उनको सशक्त बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेना के पश्चात उनकी पेंशन निर्धारित करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव आयोग की क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव, ये भी नहीं है। तो देखिए ये जो आपका बी है, ठीक है, बी जो है सही है, ठीक है। राज्यसभा राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन और राज्य का नाम बदलने का अधिकार नहीं है, बल्कि संसद को राज्य सूची में नियम बनाने अथवा एक और अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव पारित करता है। तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा, देख लीजिए जहाँ। देखिए अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा ये अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई, 249 के अकॉर्डिंग टू थर्ड बहुमत के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल है के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले को दो तिहाई संकल्प से पारित कर दे तो ऐसी स्थिति में सेवा या सेवाओं को स्थापित कर सकेगी। तो ये है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो 249 है हमारा, ये 249, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है, किसके संबंध में, जो अखिल भारतीय नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए है, ठीक है, तो हमारा सी सही होगा, ठीक है, सी जो है हमारा सही है। तो देखिए अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु जो है संस्तुति करना राज्यसभा का अन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार क्या होता है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं भी आती हैं उनके लिए जो है यदि उपस्थित और मत देने वालों की संख्या कितनी है, टोटल उपस्थित और मत देने वालों की संख्या अगर दो तिहाई सदस्यों से संकल्प पारित कर दे तो संसद जो है सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए, यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होता है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है, तो पराजित होने की स्थिति में क्या होगा, देखिए प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, नहीं, संसद भंग हो जाएगी ऐसा भी नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन लागू ऐसा भी नहीं होगा। देखिए यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, राज्यसभा में पराजित होने से सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि जो आर्टिकल 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये बार बार हमने जो इसका क्वेश्चन सॉल्व किया कि जो सरकार होती है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, लोकसभा के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान के चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है, तो भारत के संविधान के चौथी अनुसूची को सही सही कौन वर्णित करता है तो हमें बताना है। तो देखिए
इसमें राज्यसभा के स्थानों का में स्थानों का आवंटन आवंटन है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, चौथी अनुसूची हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अच्छा इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है, संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बीच शक्तियों का विवरण सातवीं अनुसूची में है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है और संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच शक्तियों का विवरण जो है वो सातवीं अनुसूची में, याद रखिएगा। सातवीं अनुसूची में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्रों के जो बीच शक्तियों का विवरण जो है सातवीं अनुसूची में है। भाषाएं जो है सॉरी जो जस्ट भाषाएं आठवीं अनुसूची में है, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी जो प्रावधान है वो पांचवी और छठवीं अनुसूची में। फिर से देखते हैं, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है, राज्य और संघों के बीच शक्तियों का जो वितरण है वो सातवीं अनुसूची में है, राज्य और संघ के बीच शक्तियों का विवरण सातवीं अनुसूची में है और भाषाएं आठवीं अनुसूची में। भाषाएं कहाँ पे, आठवीं अनुसूची में है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, भाषाएं आठवीं में है और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान पांचवी और छठवीं अनुसूची में। ठीक है, जनजाति उनके संबंधी प्रशासन संबंधी जो प्रावधान है वो पांचवी और छठवीं में है। निम्नलिखित राज्य युग्म में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो समान प्रतिनिधित्व किसे प्राप्त है देख लेते हैं। देखिए जो है प्रश्नकाल में जो आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था, लेकिन आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया है उसका। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, तेलंगाना में 7 सीटें चली गई हैं और तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, पहले दोनों में 18-18 हुआ करती थी। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 19 और गुजरात में 11 और राजस्थान में 10 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। ठीक है, फिर से देखते हैं, देखिए राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों के स्थानों का योग है, मतलब दो को मिला के किस कौन एक के बराबर बन रहा है। तो ठीक है, इसमें देख लीजिए, अब इसमें भी है, देखिए आंध्र प्रदेश जो है वो पहले 18 था और अभी 11 हो गया है, क्यों, क्योंकि 7 जो है तेलंगाना में चला गया है। एमपी पहले जो है 16 था, अब जो है 11 हो गया क्योंकि 5 जो है छत्तीसगढ़ में चला गया है। तमिलनाडु में 18 हैं, बिहार में जो है 16 हैं, गुजरात में 11 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, उत्तर प्रदेश में 31 हैं, पश्चिम बंगाल में 16 है और कर्नाटक में 12 है। तो ये जो है एक बार इसको देख लीजिएगा, राज्यसभा लोकसभा दोनों का देख लीजिएगा कितने जो है रिप्रेजेंटेटिव गए हैं किस जगह से। ठीक है, और अब नेक्स्ट हमारा है कि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 34 सीट से उत्तराखंड बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 होगी, पहले 34 थी, 3 सीट जो है उत्तराखंड में चली गई है। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर लिया है। नीचे कुछ राज्यों तथा उन राज्यसभा में उनके आवंटित सदस्य संख्या की सूचना दी गई है, उनकी सूची दी गई है, कौन सा सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। तो ये आपने अगर पीछे वाला कर लिया तो आपको देखिए मध्य प्रदेश में 16, 19 महाराष्ट्र में बताया, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16, तो एमपी 16 ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, एमपी 16 गलत हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जो है ये घटकर अब 11 हो गई है। तो एक बार उसको देख लीजिए कितने जो है मेम्बर्स कहाँ से रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं। ठीक है, अब वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है तो देख लीजिए इसको। ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर से, गुजरात में, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। ठीक है, गुजरात में 11 हैं राज्यसभा में, गुजरात में 11 हैं, कर्नाटक में 12 हैं, केरल में 9 हैं और उड़ीसा में 10 हैं। गुजरात में कितने, 11 हैं, कर्नाटक में 12 हैं, केरल में 9 और उड़ीसा में 10 हैं। फिर से वही सेम क्वेश्चन आया है, आंध्र प्रदेश में कौन सा जो है सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। आंध्र प्रदेश में पहले 18 थी, अभी 11 हो गई है। ठीक है, और सीट जो है 7 तेलंगाना को मिल गई है, तो ए जो है वो नहीं है, बल्कि उड़ीसा में जो है 10 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं और महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। ठीक है, अब है, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है, सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में 5 है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 3 है और झारखंड में 6 है और जम्मू कश्मीर में 4 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का उप जो है राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं वो जो है, देखिए उपराष्ट्रपति जो है पदेन सदस्य होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, तो अनुच्छेद 89 किसमें है, ये अनुच्छेद 89 में है। देख लीजिए अनुच्छेद 89 में ये है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे,
अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाली निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्यसभा हमने देखा था कि जो स्पीकर्स होते हैं कहाँ पे, लोकसभा में, उनका जो है निर्वाचन उसी सदस्य में से किया जाता है। लेकिन राष्ट्र जो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सॉरी, जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं वो, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को, दोनों सदनों, निर्वाचित और जो है मनोनीत ऐसा नहीं है, दोनों सदनों, ठीक है, दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है कि राज्यसभा का नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा उपराष्ट्रपति होते हैं और वो सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, ये आर्टिकल 89 में है और अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 89 में मतलब क्या है, वो जो है नहीं होगा, क्या कहते हैं, सदस्य नहीं होंगे। 86 में कहते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है। ठीक है, तो ये राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है, तो देखिए अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के वर्तमान जो सभापति हैं वो कौन है, वेंकैया नायडू जी हैं, और जो है वो क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, देखिए राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करना है और उनके नीचे के कोट को सही उत्तर बता देना है। उम्र जो है कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है वह उस राज्य की मतदाता सूची के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, तो ये तो कहीं से भी है। थर्ड हमारा है, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो देख लीजिए, ये बी है, 1 और 3। तो ये पे है कि उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना जरूरी अनिवार्य नहीं है। देखिए 2 गलत है, क्योंकि राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी, उसी के जरूरत नहीं है कि उसी निर्वाचन क्षेत्र में हो, वो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 6 अप्रैल 2003 से पहले यह आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य की मतदाता सूची में हो वहीं से चुनाव वो लड़ सकता है, परंतु 2003 में इसे परिवर्तित कर दिया गया है और अब राज्य सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, कहीं भी वो जो है मतदाता हो, लेकिन राज्य सूची में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये है 30 वर्ष। ठीक है, तो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है, और जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा, निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं। उच्च सदन के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष की होती है। ठीक है, जो सदस्यों की संख्या राज्यसभा में कितने हैं वो 50 हैं। ठीक है, 50 होते हैं संघ राज्य क्षेत्रों राज्यों से 238, और जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को विज्ञान साहित्य और कला के क्षेत्र में, तो 12 जो है सदस्य वो लोग होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य, कितने 245 सदस्य हैं, जिनमें 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्य तथा 8 जो है, देखो टोटल कितने हैं 245 है प्रेजेंट टाइम में, जिसमें से 225 जो है वो राज्य विधानसभा के हैं और 8 जो है संघीय क्षेत्र, जैसे 3 दिल्ली, 1 पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर से 4। ठीक है, तो ये एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं, और जबकि 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं। ठीक है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा, तो ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि देखिए लोकसभा जो है राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्यवाही वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या फिर उसमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को जो है अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, अभी नहीं, अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं, देख लेते हैं हम लोग। देखिए
राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ, तो ये है आपका 1952 में, ठीक है। तो भारतीय संसद में दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा तथा राष्ट्रपति को मिलकर जो हमारी संसद बनी है, और राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, हमें पता है, इससे सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती, इसका विघटन नहीं होता, एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पर सेनावृत्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम जो राज्यसभा का जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, इसकी पहली बैठक जो है 3 मई 1952 को हुई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा का की कार्यवाही में भाग लेता है, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो ये आपके हैं सी, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य है लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो वो मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हो ऐसा कर सकते हैं, वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है, देखिए यह भंग नहीं कह सकते, बिल्कुल सही है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का, ये गलत होता है, 6 वर्ष का है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त, ये भी सही है, इसके जो है सदस्य 30 होना चाहिए, तो ये हमारा 30 वाला गलत हो गया, और ये 5 वाला, तो 1 और 3 होना चाहिए इसका सही उत्तर, तो 1 और 3, ठीक है। देखिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, क्या होता है, एक अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, इसके सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 होनी चाहिए, ठीक है, 30, ठीक है, 25 नहीं, तो ये हो गया हमारा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे संसद का पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 को कवर करेंगे, पार्ट 2 हमने कवर कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, तो आप जो है इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में इसको शेयर करिए, ठीक है, और अगर कुछ भी ऐसा लगता है आपको भी कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।